बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी डिश मटन दो प्याज़ा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये डिश जो है दो तरीके से बनाई जाती है, एक तो कच्ची प्याज डाल के, पूरी कच्ची प्याज होती है जिसे भून के बनाया जाता है, और एक जो है आधा बिरिश्ता और आधी कच्ची प्याज, इस तरह से भी बनता है। लेकिन आज हम जो आपको आपको बता रहे हैं वो है कच्ची प्याज से ही पूरा ये जो है हमारा दो प्याज़ा तैयार होगा, और ये बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। और इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले है 1 kg बकरे का मटन लिया है हमने, ये जो है मिला जुला मटन है, इसमें नरम गोश्त भी है, हड्डियाँ वाला भी, हड्डी वाला भी है, चर्बी भी है, और थोड़े से जो है इसके नरम पीस भी है, इस तरह से मिला जुला गोश्त है ये। इसके अलावा है लहसुन, लहसुन के जो 2 जवे थे इसे हमने छील के काट के बारीक क्रश करके लिया है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है इसे भी हमने बारीक क्रश करके ले लिया है। इसके अलावा जो खड़े मसाले हमारे जाएंगे उसमें है दालचीनी के ये दो टुकड़े हैं दालचीनी के, 1 चम्मच शाह ज़ीरा है, 2 तेज़ पत्ते हैं, ये सूखी लाल मिर्चें हैं जो ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, इसके बीज हमने निकाल लिए हैं, उसको 2 हिस्सों में बांट लिया है, ये बादियान का 1 फूल है, 4-5 लौंगे हैं, 2 हरी इलायची है और 1 काली इलायची है, इसे हमने बीच में से थोड़ा थोड़ा सा जो है चीरा दे दिया है ताकि इसका रंग जो है हमारे सालन में आ जाए। उसके अलावा पीसे हुए मसालों में 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। दही लिया है हमने 1/4 किलो, ये फीकी वाली दही है, फ्रेश दही है, खट्टी दही आप यूज़ ना करें, इससे सालन का मज़ा ख़राब हो जाता है। उसके अलावा कुछ दरदरे मसाले हमें पीस के शामिल करने हैं, उसमें है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 हरी इलायची है, 7-8 लौंगे हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है, और ये 1 kg मटन और 1 kg ही प्याज, यानी जितना मटन होगा उतनी ही प्याज लेना है। आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन अगर बराबर लो तो बहुत अच्छा बनता है। तेल है, नमक है, और ये हमने कुछ सफ़ेद प्याज ली है, ये गार्निशिंग के लिए हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये जो है अज्जा हमें दरकार है, और आप कैसे बनाना है वो आपको हम बताते हैं। नाज़रीन, हमने एक देगची ले ली है और देगची में 200 ml के करीब हमने ऑयल शामिल कर लिया है, और अब क्या करेंगे हम इसमें से आधी प्याज जो है इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आधी प्याज हमने डाल दी इसमें। अब इसमें हमें डालना है ये अदरक लहसुन। इसके बाद शामिल करेंगे हम ये खड़े मसाले। उसके बाद ये पाउडर मसाले, इसके बाद शामिल करना है हमें ये गोश्त। ये थोड़ा अलग मेथड है लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है। ये हमने गोश्त शामिल कर दिया, अब इसमें हमें शामिल करना है ये दही। ये गोश्त के ऊपर हमको दही डालना है। दही को हमने थोड़ा सा फेटा है, ज्यादा नहीं फेटा है। अब ये जो हमारे दरदरे पीसे हुए मसाले हैं ये हम इस पर डाल देंगे। इसके बाद इसमें शामिल करना है हमें नमक, हसबे जायका हम इसमें नमक मिलाएंगे, 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक डाल रहे हैं। और ये जो बकाया प्याज हमारे पास बची है ये हम ऊपर से इस पर पूरा कवर कर देते हैं। बस इतना ही करना है, और इसको ढक के और 25 मिनट तक के लिए हमको रख देना है स्लो आंच पे। पहले थोड़ी आंच को तेज़ रखेंगे, इसके बाद में जो हम क्या करेंगे आंच को स्लो कर देंगे, और 25 मिनट के बाद में आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, ये मटन दो प्याज़ा पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं, स्लो आंच पे हमने इसको छोड़ दिया था। आप देख रहे हैं इसका क्या हाल हुआ है।
हमने इसको बिल्कुल नहीं चलाया है, ना पानी मिलाया है, कुछ नहीं मिलाया है, बस ये प्याज में ही गल रहा है, प्याज और दही है, इसी में ये जो है मसालों में पक रहा है गोश्त। अब इसमें पानी है, अब ये थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये पानी जो है सूखना शुरू होगा और ये प्याज जो है बिल्कुल गल जाएगी और प्याज नज़र नहीं आएगी। तो हम इसको फिर स्लो करके और 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, दरमियान में हम चलाते रहेंगे। अगर हमें लग रहा है कि ये जल रहा है या नीचे से दाग लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, वरना ऐसे ही इसको स्लो आंच पे पकने देते हैं और फिर बाद में आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इसे पकते हुए और 10 मिनट हमने देखा, 10 मिनट बाद हमने इसको चेक किया तो इसमें जो है पानी सूख गया था और ये थोड़ा सा अंदर से लगने लगा था, तो हमने क्या किया इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, बिल्कुल एक चम्मच के करीब हमने पानी शामिल किया, ज़्यादा पानी नहीं किया। और अब इसको हम थोड़ा भून लेते हैं। भूनने से क्या होगा कि ये जो प्याज जो दिखाई दे रही है वो पूरी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अब इसको भूनते हैं 5-7 मिनट और उसके बाद आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अभी हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है और ये जो है बहुत अच्छे से प्याज भी गल गई है इसकी। हमने क्या किया है अभी इसमें डालने के लिए, हमने थोड़ी सी ये सफ़ेद प्याज ली है और ये प्याज को क्या किया छील लिया है, और ये भी यही प्याज जो है इसको हम थोड़ा सा गोद देते हैं, यानी कि टोचा लगा देते हैं, या आप उससे लगा दें, चम्मच से लगा दें, या आप जो है ये ऐसे कोई छुरी या कोई नोकदार चीज़ लेके इसको इस तरह से कर दे ताकि मसाला जो है इसका अंदर तक चला जाए। ये हमने सब गोद के रख दिए है प्याजें। अब ये सब प्याज हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे। नीचे का पार्ट हमने यहाँ से निकाल दिया है, इस तरह से ये प्याज जो है हम ये सारी इसमें शामिल कर देते हैं ताकि मसाला जो है प्याज के अंदर तो चला जाए और प्याज भी जो है अगर खाना चाहे हम तो हमें अच्छी लगे। अब इसको हम पकने देते हैं ढाक के 5 मिनट और उसके बाद आपको दिखाते हैं। प्याज डाल के हमने इसे 5 मिनट ढाक के पकाया है और ये प्याज भी हमारी थोड़ी सी गल गई है, सॉफ्ट हो गई है, तेल भी सेपरेट हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन सालन तैयार हुआ है। आप कभी भी ऐसी जो सालन बनाना है आपको सूखा तो उसको भारी पेंदे की यानी कि मोटे तले की देगची में बनाएं ताकि जो है वो जलने का चांस ना हो, ना जले, इसके लिए मोटे पेंदे की पतीली में बनाना है। अब हम ये चेक करते हैं कि गोश्त हमारा गला है या नहीं गला है। बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत सॉफ्ट हो गया है, तो आप भी जो है बस इतने पर ही काफ़ी है, ज़्यादा और गलाएंगे तो हड्डियाँ जो है वो क्रिच छोड़ देंगी और फिर खाने में मुँह में अच्छी नहीं लगेगी। अब हम क्या करते हैं इसको स्लो कर देते हैं, बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद में 5 मिनट ढक के रखते हैं ताकि तेल जो है अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। अब 5 मिनट बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो लीजिए नाजरीन, ये हमारी जो है दो प्याजे की रेसिपी तैयार है और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छा सालन बना है। आप इसे तंदूरी नान के साथ, रोटियों के साथ, चपातियों के साथ या उबले हुए चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। पूरा चैनल, पूरा मेरी रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।